देखो टाटा की गाड़ी, और ये देखो ये क्या है। गुड मॉर्निंग गाइज और वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड कैसी जनता, ठीक ठाक चंगे मिले। और आज का सीन पानी ऐसे कि आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी अपनी ही दुकान है, अपने भाई की दुकान है, तो अभी यहाँ से शुरुआत हो रही है। मैंने बोला मेरे बाल बुल बहुत हो गए, पापा गालियाँ दे रहे हैं दाढ़ी के कारण, तो दाढ़ी अभी कटवाते हैं। और वैसे यार पिंपल वंपल भरे हो रहे हैं दाढ़ी में, तो अभी जो भी सीन पानी होते बताते हो। और ये देखो इस साइड इस बंदे को देखना। हाँ जी भाई, भाई आपकी क्लियरिटी नहीं आ रही, आपका मुंह नहीं आ रहा क्लियर है, इधर आ जाओ। अब आएगा लेकिन आप अंधेरे में ही बैठे हो, क्या है सीन। तो गाइज अभी अभी आपको बताते हैं, मैं बाल बुल कटवाते हैं, भैया अंकल बैठे हुए हैं, उधर अंकल बैठे हुए हैं हमारे, तो अभी मैं कटवाता हूँ। और ये इनकी दुकान भी रानीताल में, मतलब चौंक है ना जो रसू चौंक अपना यहाँ पे, उधर ही है पास में ही है। तो अभी मैं कटवाता हूँ बाल, और आपको बताता हूँ जो भी सीन पानी होता है कि मैं यहीं पर आता हूँ, नहीं मैं चंडीगढ़ कटवाता हूँ कहीं कटिंग, क्योंकि मेरे को आदत है यहीं पर करवाने की, क्योंकि यहाँ पर ठीक हो जाती है यार कटिंग, अच्छी लगती है मेरे को यहाँ पर कटिंग। तो अभी कराते हैं कटिंग, और जो भी होता है बताते हैं आप जल्दी से। भाई हमारे आ चुके हैं। हेलो भाई, चश्मा बताना है, देखो भाई चश्मा कैसा लग रहा है आपका भाई। तो अभी बंदे आ गए हैं पूरे फॉर्म में, और देखो पबजी प्लेयर है भाई, क्या पबजी प्लेयर। तो अभी कराते कटिंग है भाई से, इससे कटिंग कराते हैं, चलते हैं जो भी होता बताते हैं आपको आगे। फाइनली मेरी कटिंग हो चुकी है, और कुछ इस प्रकार लुक आई अपनी, और मैंने मुझे अच्छा सेट करवाई, दाढ़ी छोटी करवाई थोड़ी, तो कुछ इस प्रकार लुक का भाई। बंदा बोर हो गया पीछे वेट कर करके, तो अभी बताना कैसे लुक का। बंदे ने कटिंग तो सही किया, राहुल सही करता है कटिंग, वो चला गया हुआ है, वो आया था स्पेशल कटिंग करने के लिए। तो अभी चलते हैं घर, और क्या कहना, पनीर लेना और उसमें शिमला मिर्च लेनी, और चलते हैं निकलते हैं घर, जो भी सीन बढ़िया तो बताते हैं। और यहाँ पे हमारा इन्वर्टर के लिए बक्सा बनना था, तो बन चुका हुआ है, देखो हमारा बक्सा बनना था। ये कर रहे हैं अंदर बंद कर रहे हैं, पापा ये खड़े हैं, और वो बन चुका हमारा खाना यहाँ के। तो ये अपना हमारा बन चुका है, और ये स्टैंड बन रहा है इन्वर्टर का, देखो इस वेल्डिंग होगी, ये अभी वेल्डिंग कर रहे हैं, और ये हमारा खाना बन चुका है यहाँ पे। वेल्डिंग का काम खत्म हो गया, और भाई अंकल जा रहे हैं वेल्डिंग का सेट लेके, और भाई जा रहा है वो आगे। तो अभी ये बना है हमारा इन्वर्टर के लिए, रखा हमने स्टैंड कुछ ऐसा है ये, तो ये ऐसा बना हुआ है, दिखाता हूँ मैं इसको खोल के, ये बना हुआ है, ये यहाँ पे इन्वर्टर रखा जाएगा, प्लग लगा हुआ है शू। तो अभी देते बंद ना, और जो भी सीन होते हैं आगे दिखाते हैं, तो अभी नहा लेता हूँ, अभी जो भी सीन होता है कोई बताते हैं आपको। ये हमारा इन्वर्टर का सेटअप लग रहा है, और मैंने बताया था ना आपको, ये हो चुकी थी यहाँ पे, हमने इन्वर्टर रखने के लिए बना दिया था, तो यहाँ पे भैया सेटअप कर रहे हैं इन्वर्टर का, और फिर कनेक्शन देंगे। तो भैया भी आ गए जल्दी, हमने जैसे ये वेल्डिंग हुई तो भैया उसके बाद भैया का काम इसी के बाद था, तो आ गए भैया भी। तो अभी भैया उसके सेटअप कर रहे हैं, और आई थिंक इसके वो होते हैं इंजेक्टर ना, इससे पता लगता है कि कितना कितना हो रही है। अभी भैया ने तारे तुरे रखी हुई हैं, इनको सेटिंग करके हुए थे, और अभी कनेक्शन कर रहे हैं भैया, तो बताते अब जो भी होता है आपको। तो गाइस हम चिली चीज़ बनवा दिए, और ये देखो अपना चिली चीज़ का बोल रहा, ये देखो कुछ इस प्रकार है। और अभी मैंने ये गर्म है, तो मैंने बोला फ्रिज में रखते हैं, तो काफ़ी सही बना, स्वादिष्ट बना है। और मेरी बुआ खा चुके हुए हैं चिली चीज़। बुआ जी कैसा था, आप क्या बोलना चाहोगे, कैसा टेस्ट था हमारे चिली चीज का? बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज्यादा। तो आप हाँ देखो, तो हम हमारे अपने मेरे घर के ऊपर जो दुकान है, हमने वहां से ऑर्डर किया था, तो अभी हमने खा चुके हैं इसको, और घर वालों का वेट कर रहे हैं, घर वाले कांगड़ा गए हुए हैं, तो कांगड़ा से जो क्या लाते हैं हम देखते हैं, तो अभी बताता हूँ। और मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मेरे द्वारा खाने का मन करता, मैं द्वारा खा लेता हूँ। ये खाएगी अभी आशिमा ये, और बताएगी रिव्यूज कैसे हैं इसके, और ये पढ़ रही है, मम्मी पढ़ा रहे हैं इसको, और साथ साथ में ट्रीट भी मिलती रहती है इसको, देखो हंस रही है। मैंने ये कर दिया अपनी ना बिल धनोपार को, और मेरे भाई की गाड़ी रही, और मेरे मामू की गाड़ी को थोड़ी एक सेल्फ मार देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको खड़ी हुई, तो सेल्फ मारनी चाहिए, क्योंकि मामू उधर लेके जाते हैं जहाँ पे मामू का क्वार्टर है, तो फिर इधर रखते हैं, तो मैं इसको सेल्फ मार देता हूँ एक, क्योंकि ज़्यादा दिन
खड़ी गाड़ी भी वो नहीं होती ना। तो यार तू खुल जाए इसका, यार लॉक इशू आ गया, मैंने ठीक कराना था तो भी चलो इसको मारते हैं सेल्फ। भाई हो जा हो जा हो जा, चल क्यों नहीं रहा ये देखो भाई ये गाड़ी। रुको दो मिनट गाइस, यार इसको कर लेता हूँ, खुल चुका है, थोड़ा फंसा हुआ था तो काफ़ी पुरानी है, तो इसको मीटर चेक करो आप। ये चल चुकी है 246,580, 46 ही होती है 46 गाइस, मेरे को विश्वास नहीं होता, मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ, ये क्लियर कर लेता हूँ, ये देखो देखो फोकस की देखो। और भाई आज भी ना एक गाड़ी में थोड़ी कंडीशन में मैं जाना है, थोड़ा ये हो जाता है यार, एक्चुअली पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते हैं अब गाड़ियों के, मतलब कि जैसे 2007 मॉडल है नवंबर का, 7, 17 अब कहाँ अपना 24 चलने वाला है। तो गाइस अभी भी ना इसकी कंडीशन ऐसी है, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ और इसको आप बोलोगे मानोगे नहीं, अब इसका एक बार भी इसका इंजन का काम नहीं हुआ है एक बार भी, और इसकी एक ही सेल्फ से आप खुद सोचो गाड़ी ऑन हो जाती है। मेरे को दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस कितना, कोई ऐसी वो नहीं है कि अनयूजुअल साउंड नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत ही तो होती है गाड़ी में, क्योंकि अब गाड़ी काफ़ी चली गई हुई है, 2.5 लाख चलना ना बहुत बड़ा वो होता है, मतलब चल जाना बहुत बड़ी बात। और इसका थोड़ा अभी आपको गाड़ी दिख रही होगी क्योंकि पार्ट्स वगैरह के इशू है, देखो जैसे ये पार्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, अब मॉडल आना ही बंद हो गया। ये तो ये अपना जेनी स्टीलो है, हम इसको आपको फ्रंट दिखाता हूँ, पीछे से दिखाता हूँ बैक, ये देखो इसके यहाँ जेन है, इसका वो बैजिंग हटा रखी हुई है, और इसकी लुक देखोगे ना आप बोलोगे भाई सच्ची मेंटेन रखी हुई है। देखो ये देखो गाड़ी है ना, गाड़ी मेंटेन रखी हुई है, तो खड़ी है अभी तो वहाँ पे जगह नहीं होती जहाँ पे मामू मेरे रहते हैं। और इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ यार लोक, अरे यार इसका लोक बड़ा डाउन है, देखो ये है ना। और गाई इनका ना पहले की पहले अब गाड़ियों में ये नहीं आता है, जैसे ये यहाँ से रेस करने देने वाला, जैसे मैं रेस दे रहा हूँ ना यहाँ से, अगर आप खींचोगे ना आपका एक्सीलेटर वायर है, ये एक्सीलेटर वायर है ये। और इन अभी इंजन का वो देखो, इसका इंजन कितना भाई, और इसके जो मेटल है ना, इसके मेटल में सुनाई दे रहा आपको, ये देखो, और आज की मारुति की आवाज़ सुनना आप, ये देखो। तो इसको कर देते हैं हम बंद ना, इसके एरिया के वो सुनो, ये देखो इसके फर्क देखो 2007 में भाई, ये बात होती है मॉडल में फर्क होता है। तो अभी इसको करते हैं हम ना ब्लॉक कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए था, मैंने बोला आपको दिखाते हैं, तो अभी इसको लॉक कर देते हैं। और ऐसी बात नहीं गाइस, इसमें 5 बंदे बिठा दो आप, तो अभी इसमें ऐसा कि अगर आप भी आप इसमें 5 बंदे बिठा दोगे ना तो मान थार नहीं मानते। और गाइस अब जैसे 2007 का मॉडल है तो कितना टाइम हो गया, और 2.5 लाख चल जाना गाड़ी, और बात ऐसी कि बंद हो चुकी हुई है बनना, तो थोड़ा मुश्किल होता है पार्ट्स का, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। गाइस रास्तों की हालत कुछ इस प्रकार है, बहुत ही साफ रास्ते, और देखो गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी हुई है, मेरे को कल धोने पड़ेगी ये गाड़ी, अब मेरे को कल धोने पड़नी और फिर ही जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे भाई की गाड़ी है, तो एक ये है टाटा की, अब लोगों देखो टाटा की गाड़ी, और ये देखो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये देखो अलग ही साहब है बाबा। एक्चुअली भाई ने क्लेम लिया था ना जहाँ से अपनी मतलब की इंश्योरेंस क्लेम किया था इसने भाई ने, तो वहाँ पे जहाँ पे क्लेम किया है तो वो मतलब की ऑथोराइज डीलर थे इसकी भाई इंश्योरेंस के, तो उन्होंने मतलब की इसकी वहाँ पे उनका लोगों के था मारुति का लगा था, तो भाई ने भी इतना गौर नहीं किया और उन्होंने मारुति का लगा दिया। तो अभी जो भी होता है तो चलते हैं, और मेरे को मंदिर भी जाना है, मैं मंदिर जाके आता हूँ, और जो भी सीन होता है आपको बाद में बताता हूँ। देखो ब्रूना देख रहे हैं, चलो चलते हैं फिर, जो भी होता है बताते हैं आपको। और गाइज अब ब्लॉग को हम यहीं पे ही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।